आखिर क्या वजह थी कि सुशांत सिंह राजपूत दो हिट फिल्मों में लीड रोल करने के बाद फिल्म पीके में साइड रोल करने के लिए राजी हो गए थे? सुशांत से ये सवाल पूछे जाने पर क्या था उनका रिएक्शन? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ में। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पीके से जुड़े कुछ अनजान और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान की फिल्म पीके को आए 6 साल से ऊपर हो गया है और यूं तो इस फिल्म के सीक्वल की बातें बॉलीवुड में काफ़ी टाइम से चल रही थी, पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई थी। पर आपको बता दें कि हाल ही में सामने आए एक इंटरव्यू में फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म से जुड़े खबरों के बारे में खुलासा किया है और कहा है कि जल्द ही इस फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म के सभी किरदारों की एक्टिंग की जमकर तारीफ भी हुई थी, खास करके सुशांत सिंह राजपूत की। अगर आपने फिल्म पीके देखी होगी तो आपको सरफराज का रोल तो याद ही होगा, जिसे लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया था। पर क्या आप जानते हैं कि सुशांत इस रोल को क्यों करना चाहते थे? आखिर किस वजह के कारण उन्होंने काई पोचे और शुद्ध देसी रोमांस जैसी हिट फिल्मों में लीड रोल करने के बाद फिल्म पीके में इस छोटे से किरदार को करने के लिए हामी भरी? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के ज़रिए वो हमेशा हमारे बीच ही रहेंगे। सुशांत की फिल्मों को देखकर ही पता चलता है कि वो कितने मेहनती और टैलेंटेड अभिनेता थे। सुशांत ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में ही फैंस को यादगार फिल्में दे दी हैं। इन्हीं में से एक फिल्म है पीके। इस फिल्म में यूं तो सुशांत का किरदार काफ़ी छोटा था, लेकिन इस किरदार ने भी अपनी छाप दर्शकों पर छोड़ी है। फिल्म पीके में छोटा सा किरदार करने पर सुशांत से इस बारे में काफ़ी दफ़ा पूछा भी गया था कि उन्होंने काई पोचे और शुद्ध देसी रोमांस जैसी फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेता काम करने के बाद इस फिल्म में छोटा किरदार क्यों चुना। इस पर सुशांत ने कहा था कि भले ही फिल्म में उनका किरदार छोटा था, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। साल 2016 में अनुपमा चोपड़ा को दिए एक इंटरव्यू के दौरान सुशांत ने इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए पीके में काम करना काफ़ी यादगार रहा। पीके में काम करने के लिए मुझे किसी ने मजबूर तो नहीं किया था और इसमें छोटा रोल निभाने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी। बात को आगे बढ़ाते हुए सुशांत ने कहा कि वो राजकुमार हिरानी जैसे बड़े और मुंछे हुए डायरेक्टर के साथ काम करके देखना चाहते थे। उन्हें पता था कि रोल काफ़ी छोटा था, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि कोई उस रोल को कैसे देखता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें कोई भी स्क्रिप्ट अच्छी लगे तो वह छोटे से छोटा किरदार भी निभा सकते हैं। गौरतलब है कि पीके में अभिनेता आमिर खान और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदारों में नजर आए थे। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने अनुष्का के प्रेमी सरफराज यूसुफ का किरदार निभाया था। ये किरदार भले ही छोटा सा था, लेकिन सुशांत ने अपनी दमदार अदाकारी से इस किरदार को काफ़ी यादगार बना दिया था। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी भी आई थी, जो कि उनके करियर के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई थी। तो दोस्तों, आपको कितनी पसंद आई थी फिल्म में सरफराज यूसुफ यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग, और कितना इंतज़ार है आपको इस फिल्म के सीक्वल का? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है काजल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।